आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने आधार कार्ड में घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने कभी भी अपना आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक करवाया था और वो दोस्तों अभी नंबर बंद हो चुका है, या आप चाहते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें कोई और नंबर लिंक हो, तो आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे आप अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ ही हमारा इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अभी जानते हैं कि हम अपने आधार कार्ड में कैसे मोबाइल नंबर को अपडेट करा सकते हैं। ये आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, जैसा कि अभी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सर्च बार में यहाँ पर आपको टाइप करना है IPPB। जैसे दोस्तों आप IPPB टाइप करके सर्च करते हैं, फर्स्ट में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। दोस्तों आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करने का दो प्रोसेस है। पहला तो आप घर बैठे ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, और दूसरा दोस्तों आप नज़दीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर में संपर्क कर सकते हैं, जहां पे आपको एक अपडेट फॉर्म भरना होता है, फिर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक या फिर अपडेट करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कैसे अपना एक रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, ताकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो वर्कर होगा वो आपके घर में आके आपका आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर अपडेट करना है वो आप करा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा इस वेबसाइट पर। तो आपको जो यहाँ पे पॉपअप दिखा उस पॉपअप को कट कर लेना है, फिर इस 3 लाइन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नन IPPB कस्टमर पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर नीचे सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म का आपको ऑप्शन मिलता है, और ऊपर में भी आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। यहाँ एक ऑप्शन है डोर स्टेप बैंकिंग, तो दोस्तों डोर स्टेप बैंकिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जब आप डोर स्टेप बैंकिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म ओपन होगा, जहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से सर्विस दिया गया है कि आप घर बैठे अपना एक बैंक अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। उसके बाद आधार ATM AEPS यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की मदद से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बिजली का बिल भुगतान कर सकते हैं, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, साथ ही आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर को अपडेट करवा सकते हैं, या फिर चाइल्ड आधार इनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करवा सकते हैं। तो सिंपली आपको आधार मोबाइल अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको नीचे आना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले मिस्टर मिसेस जो भी हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जिनका आधार कार्ड आप अपडेट करवाना चाहते हैं मोबाइल नंबर, उसका यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर करने के बाद मोबाइल नंबर इंटर करना है, जो मोबाइल आपका नंबर चालू है वो नंबर आपको यहाँ इंटर करना है। ईमेल आईडी इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस सही सही आपको भर देना है। यहाँ पे एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट दे दीजिएगा कि आपको अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक करना है, या फिर आपको अपना आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को अपडेट करना है। उसके बाद इस एग्री वाले बॉक्स पे क्लिक करना होगा। नीचे आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सर्विस है उसके पास आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा, और उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी वर्कर होगा वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा और वो आपके एड्रेस में आके आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर अपडेट करके जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप घर बैठे आप ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।